जिला हमीरपुर के बटसर उपमंडल के अंतर्गत आने वाली रैली जजरी गांव की महिला प्रियंका ने आत्मनिर्भर बनकर महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है। प्रियंका हर रोज घर से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर स्कूटी पर तय करके मशरूम के दिन में 600 से 700 पैकेट बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। प्रियंका को मशरूम बेचकर महीने में 1 लाख रुपए की गाड़ी कमाई हो रही है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रियंका ने बताया कि वह वक्त और हालात की सताई थी, जिसके चलते वह आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित हुई। प्रियंका ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। उस समय उसका बेटा मात्र 7 महीने का था, मजबूरन उसे अपने मायके में रहना पड़ा। प्रियंका को बेटे के पालन पोषण की चिंता सताने लगी। इसी चिंता के चलते प्रियंका ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया और मशरूम उत्पादन करने वाली एक यूनिट में नौकरी की, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा थी तो प्रियंका ने नौकरी छोड़कर स्वयं मशरूम को घर घर बेचना शुरू किया। मशरूम बेचकर प्रियंका को अच्छी आमदनी होने लगी, फिर इसके बाद प्रियंका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में प्रियंका मंडी, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में स्कूटी पर सैकड़ों किलोमीटर तय करके घर घर सरकारी कार्यालयों और दुकानों में जाकर 600 से 700 हर रोज मशरूम के पैकेट बेचती है। वहीं प्रियंका ने बताया कि अगर इंसान के मन में कुछ करने का इरादा पक्का हो तो वह किसी भी काम को अंजाम दे सकता है। वहीं प्रियंका ने महिलाओं को संदेश दिया है कि आज के युग में महिला किसी से कम नहीं है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं प्रियंका चौधरी फ्रॉम रैली जजरी, मैं मशरूम सेल का काम करती हूँ और मैं एक दिन में 600 पैकेट जो है सेल करती हूँ और मेरी मंथली इनकम जो है वो 1 लाख से ऊपर है। सर, शुरू शुरू में तो मुश्किलें हुई थी, लेकिन अब मुझे कोई भी मुश्किल जो है फील नहीं होती है। सर, सुबह मेरा 7 बजे से सफर स्टार्ट होता है और रात को 7 बजे तक। कितना सफर तय करते हो? सर, 300 किलोमीटर। सर, 4 जिलों में काम करती हूँ, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, ऊना। सर, मैं अकेली हूँ। सर, मैं पहले एक मशरूम फार्म में काम करती थी, फिर वहीं वहाँ पे जो था वो सैलरी कम थी, फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा सेल करना। फिर पहले तो मैंने 100 पैकेट से स्टार्ट किया था, अब मैं 600-700 पैकेट जो है वो डेली सेल करती हूँ। सर, 500 पैकेट तो डेली हो ही जाता है, 500 से ऊपर रहता है, गर्मियों में जो है वो थोड़ा 300 तक है। सर, मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं है, हर महिला को कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करना ही चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। सर, मैं 12 महीने जो है यही काम करती हूँ मशरूम सेल्स का, और मेरे पास अचार वगैरह बड़ी, चाप बड़ी, मकंद बड़ी और भी होती है आइटमें। महिलाओं का आज आपने देखा होगी कि महिलाएं ना जो है ना मनरेगा से लेकर जो है ना आसमान तक उनकी चमक लगाई है, ठीक है ना। महिलाएं आज किसी क्षेत्र में कम नहीं है, और जैसा कि आपने प्रियंका के बारे में चर्चा की तो इनका एक बहुत अच्छा प्रयास है कि बिना झिझक के जो है ये बाजार में गांव में अपना प्रोडक्ट जो है बेचे और अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। इससे जो है ना महिलाओं का और जो बेरोजगारी हुआ है उनका उत्साह भी बढ़ेगा और वो भी इनसे प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती है ये किस्म की और देसी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और हम तो बस जब भी ये नज़र आते हैं तो हम ले लेते हैं इनसे, और रेट भी इनका अच्छा है। और मैं तो बोलता हूँ सारी महिलाएं ऐसा कुछ काम करें जो कि रोज़गार का साधन ही बनेगा और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की भी थोड़ी सी मिलेगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है, सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी, तो देर किस बात की। आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।